पांच काली बहू को माता रानी ने खिलाया अमीर खाना। देखो मेरी प्यारी बेटियों, तुम्हारे पिताजी ने और मैंने बहुत ही मुश्किलों से और बहुत ही दुख संकट सहन करके तुम्हारी शादी इतने अमीर घराने में करवाई है। अब तुम पांचों वहां खुशी से रहना। अरे भगवान, एक तो तुम्हारी पांचों बेटियां रो रही हैं, ऊपर से तुम अपने दुखड़े सुना रही हो। अरे मेरी प्यारी बेटियों, जाओ आराम से अपने ससुराल में जाना और सुकून से रहना। तुम्हारा ससुराल बहुत अमीर है, तुम्हें वहां किसी भी चीज की कोई परेशानी नहीं होगी। दुर्गेश और सुजाता की पांचों बेटियां उन दोनों को गले से लगा लेती हैं, जिसके बाद वो दोनों अपनी पांच बेटियों को उनके ससुराल के लिए विदा कर देते हैं। ससुराल पहुंचने के बाद वो पांचों घर की सभी जिम्मेदारियों को अच्छे से समझ लेती हैं, लेकिन उनकी सास उनके साथ बहुत बुरा व्यवहार करती है। भूखे नंगे खानदान से आई हैं ये पांचों लड़कियां, दहेज में कुछ भी नहीं लेकर आई, देख रहे हो ना जी, अपनी मर्जी के डंके बजाने के बाद क्या हाल होता है। अरे भगवान, शांत हो जाओ, उन पांचों ने सुन लिया तो उन्हें कैसा लगेगा। अब वो पांचों गरीब परिवार से हैं, तो उनके माता पिता उनके लिए क्या ही करते, जो उन्होंने किया सब सही किया। अब तुम शांत हो जाओ और इस घर की सुख शांति को बनाए रखो। अजी ऐसे कैसे शांत हो जाऊं, दिखता नहीं है क्या आपको, मुझे ये पांचों लड़कियां हमारे घर में बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगी, ये हमारे घर की बहू बनने के लायक तो है ही नहीं। करिश्मा अपने मन की पूरी भड़ास निकाल रही होती है कि तभी अचानक से दुर्गेश को दिल का दौरा पड़ जाता है और वो भगवान को प्यारा हो जाता है। ये देखकर करिश्मा जोर जोर से चिल्लाती है, जिसके चलते उसकी पांचों बहू और उसके पांचों बेटे आ जाते हैं। हे भगवान, ये कैसे पैर लेकर आई हो इस घर में, ये पांचों लड़कियां, इनके आते ही मेरा पति भगवान को प्यारा हो गया, मैं विधवा हो गई। माँ, आप अपने आप को संभालो, पिताजी की मौत में इन पांचों का कोई कसूर नहीं है, उन्हें ये तीसरा अटैक पड़ा है, क्या आपके पिताजी से कोई बहस हुई थी। ये सुनते ही करिश्मा मन में सोचती है, अगर इन्हें पता चल गया कि मेरी बहस इनके पिताजी से हुई है तो ये मुझसे सीधे मुंह बात भी नहीं करेंगे, मुझे इसका सारा इल्जाम अपनी इन नालायक गरीब फटीचर बहू के ऊपर ही डालना चाहिए। करिश्मा सारा कसूर अपनी पांच बहुओं के ऊपर डाल देती है, जिसके चलते उसके पांचों बेटे अपनी पांचों पत्नियों से नाराज और खफा खफा रहने लगते हैं। वहीं वो पांचों दुर्गा माँ की बहुत बड़ी भक्त होती हैं। सुबह शाम वो सबसे पहले दुर्गा माँ की पूजा करती हैं, उसके बाद ही घर के कामों को और खाने को हाथ लगाती हैं। दुर्गा है मेरी माँ, अम्बी है मेरी माँ, माँ 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 अब तू ही है मेरी माँ, दुर्गा है मेरी माँ, अम्बी है मेरी माँ, दुर्गा है मेरी माँ। एक एक करके वो पांचों आरती कर लेती है, जिसके बाद वो घर के कामों में लगती हैं। तानिया, तुम और मैं मिलकर घर का खाना बना लेते हैं। हाँ दीदी, जैसा आपको ठीक लगे। चलो पारुल, हम दोनों मिलकर घर की साफ सफाई कर लेते हैं, और सीजल तुम कपड़े धो लो। ठीक है, मैं अभी जाकर कपड़े धो लेती हूँ। चलो दीदी, अब हम भी घर की साफ सफाई कर लेते हैं, वरना माँ जी उठेंगी तो उन्हें घर की हालत देखकर बहुत तेज गुस्सा आएगा। वो पांचों एक एक करके घर का सारा काम कर लेती हैं। जैसे ही करिश्मा सोकर उठती है, वो सारे काम देखकर अपने मन में कहती है, ये पांचों मुझे कोई भी मौका नहीं देती है कि मैं इनके काम में कोई भी कमी निकाल सकूं, लेकिन आज तो मैं इनकी रेल बनाकर ही रहूंगी। करिश्मा ऐसा कहकर अपने घर के सोफे को हाथ लगाती है और कहती है, हे भगवान, ये क्या हालत बना रखी है मेरे घर की, जहां देखो धूल मिट्टी, अगर आज तुमने घर की साफ सफाई ढंग से नहीं की तो आज मैं तुम्हें खाना नहीं दूंगी। ऐसा कहकर करिश्मा वहां से चली जाती है और बहुएं पूरा दिन काम करती हैं, लेकिन करिश्मा उनके हर एक काम में कोई ना कोई नुक्स निकाल ही देती है, और इसी के चलते वो उन्हें खाना तक नहीं देती। जब से हम इस घर में आए हैं, हमारी सास हमें खाना ही नहीं देती, खुद तो अमीरों वाला स्वादिष्ट खाना खाती है। मुझे तो बहुत जोरों से भूख लग रही है। हमारी भूख छोड़ो, हमने अभी तक माता रानी को भोग भी नहीं लगाया है। अभी हमने खाना बनाया था, वो तो माँ जी ने खुद खा लिया और बचा हुआ खाना जानवरों को खिला दिया, लेकिन हमारे लिए उन्होंने कुछ भी नहीं रखा। दुर्गा माँ को हम भूखे तो नहीं रख सकते, माता रानी को प्रसाद चढ़ाना बहुत जरूरी है। चलो रसोई में चलकर उनके लिए उनका भोग बना लेते हैं। वो पांचों रसोई में जाती हैं
और माता रानी का भोग बनाती हैं, जिसके बाद वो उस भोग को अपनी दुर्गा माँ को चढ़ा देती हैं। ये सब जब करिश्मा देखती है तो उसे बहुत तेज गुस्सा आता है और वो अपनी पांचों बहुओं के मुंह पर जोरदार तमाचा मारती है। अब तुम पांचों अपने कमरे में चली जाओ, अगर तुम्हें मैंने बाहर देखा तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। अब पूरे हफ्ते तुम्हें खाना नहीं मिलेगा और ना ही रात को मिलेगा। वो पांचों रोते हुए अपने अपने कमरे में चली जाती हैं। जैसे ही वो अपने कमरे में जाती हैं, उन्हें वहाँ प्लेट में सजे हुए खाने की थाली रखी मिलती है। वो खाने को देखकर बहुत खुश होती हैं और खाना पेट भर कर खाती हैं। जब अगले दिन सुबह एक दूसरे से मिलती हैं, तो एक दूसरे को भरे हुए खाने की थाली के बारे में बताती हैं। मुझे तो लगता है कि हमारी सास सिर्फ ऊपर से सख्त है, अंदर से वो बहुत नरम है, तभी तो हमारे कमरे में उन्होंने भरे हुए खाने की थाली रखी थी। हाँ सही कहा, चलो अब घर के काम कर लेते हैं। पांचों फिर से घर के सारे काम कर लेती हैं। ऐसे ही पूरे एक हफ्ते तक करिश्मा उन्हें खाने का एक दाना तक नहीं देती, लेकिन उन्हें उनके कमरे में भरी हुई थाली मिलती है। एक दिन उन पांचों को पेट भर कर खाना खाते हुए करिश्मा देख लेती है, जिसके चलते वो आंख बबूला हो जाती है। खाना नहीं दिया तो इन्होंने चोरी करके खाना खाना शुरू कर दिया। अब मैं इन पांचों को एक कमरे में बंद कर दूंगी और पूरे एक हफ्ते तक खाना नहीं दूंगी, फिर देखती हूँ भूख प्यास से इनकी अकल ठिकाने आती है या नहीं। करिश्मा ऐसा ही करती है। वो गुस्से में एक कमरे के अंदर अपनी पांच बहू को बंद कर देती है, जिसके चलते वो पांचों सुबह सुबह रोने लगती हैं। आखिर हमारे साथ ऐसा क्यों हो रहा है? हमारी सास हमारे ऊपर इतने अत्याचार करती है, ऊपर से क्या हमारी दुर्गा माँ को हमारे दुख दिखाई नहीं देते? बहुत जोरों की भूख लगी है, मेरे पेट में दर्द हो रहा है। हे दुर्गा माँ, कहाँ हो तुम? तुम्हारी भक्तों के साथ ये सब कैसा अन्याय हो रहा है? तभी वहाँ पर दुर्गा माँ स्वयं प्रकट होती हैं। उनके हाथों में खाने से भरी हुई थाली होती है और वो अपनी पांचों भक्तों के पास बैठकर उन्हें अपने हाथों से खाना खिलाती हैं। मेरी रहते मैं अपनी भक्तों को भूखा नहीं रहने दूंगी, ये लो खाना खाओ। क्या ये हकीकत है या मैं कोई सपना देख रही हूँ? दुर्गा माँ आप स्वयं हमें खाना खिलाने आई हो? दुर्गा माँ ऐसा खाना तो हमने कभी जिंदगी में नहीं खाया, ये खाना तो बहुत ही स्वादिष्ट है। सारा खाना तुम्हारे लिए ही लाई हूँ, पेट भर कर खाओ। इधर दुर्गा माँ अपने हाथों से अपनी पांचों भक्तों को खाना खिलाती है, उधर करिश्मा ये सोचकर बहुत खुश हो रही होती है कि उसकी सजा से उसकी पांचों बहू तड़प रही होंगी। अभी जाकर देखती हूँ उन पांचों की दुर्दशा क्या हो गई है, बहुत मजा आएगा उनकी ये हालत देखकर। करिश्मा जैसे ही दरवाजा खोलती है, दरवाजा खोलते ही सामने दुर्गा माँ उसकी पांचों बहू को खाना खिलाते हुए उसे नजर आती है। ये नजारा देखकर वो हैरान रह जाती है और दुर्गा माँ के आगे हाथ जोड़कर खड़ी हो जाती है। क्या दुर्गा माँ आप स्वयं यहाँ? मुझे तो अपनी आंखों पर यकीन ही नहीं होता, मेरी तो किस्मत ही खुल गई कि मैंने अपनी आंखों के सामने दुर्गा माँ को स्वयं देखा। दुर्गा माँ गुस्से में कहती है, मेरे भक्तों को सताया है, अब तुम्हें इसकी सजा भुगतनी होगी। करिश्मा को अपनी गलती का एहसास होता है और वो दुर्गा माँ से माफी मांगती है, लेकिन दुर्गा माँ का प्रकोप उसके ऊपर पड़ने ही वाला था कि तभी उसकी पांचों भक्त अपनी सास की जान की भीख दुर्गा माँ के पैरों में गिरकर मांगने लगती हैं, जिसके चलते दुर्गा माँ को उनके ऊपर तरस आ जाता है। अपने भक्तों के कहने पर तुम्हें छोड़ रही हूँ, लेकिन आइंदा अगर तुमने मेरे भक्तों को परेशान किया तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। उस दिन के बाद से करिश्मा अपनी बहुओं को अपनी बेटी के रूप में स्वीकारती है और उनके साथ बहुत अच्छे से बर्ताव करती है, जिसके चलते अब वो पांचों अपने ससुराल में खुशी खुशी। आशिका और काव्या दोनों बहनें बौनी थी, दोनों की उम्र शादी लायक थी, पर उससे पहले माता पिता सुधा नरेंद्र अपने इकलौते बेटे अक्षय की शादी करना चाहते थे। वहीं दोनों माता पिता ने कभी अपनी बेटियों को किसी चीज के लिए नहीं टोका, जिस वजह से वो थोड़ी घमंडी स्वभाव की हो गई थी। ऐसे ही शाम के समय दोनों बहनें रेडी होकर शॉर्ट ड्रेस पहने क्लब के लिए निकल रही थीं। तभी सुधा कहती है, अरे ये तुम दोनों इतना बनठन कर इस समय कहाँ चली, वो भी हील पहनकर। मॉम वी आर गोइंग टू डिस्को नाइट। या दैट्स व्हाई वी आर वेयरिंग हील्स। ओके आप चिंता मत कीजिए, हम दोनों आराम से पहुंच जाएंगे और वापस भी टाइम से आ जाएंगे 10 बजे तक।
हाँ मॉम, बेटा इस समय क्लब मत जाओ, कहीं और चले जाना। व्हाट? नो वे मॉम, हमारे सारे फ्रेंड्स आ रहे हैं। बेटा हमने तुम्हें किसी चीज के लिए रोका टोका नहीं है, हमारी दी हुई आजादी का गलत इस्तेमाल मत करना। डोंट वरी पापा, मैं अक्की को बोल देती हूँ तुम दोनों को सेफली वहाँ तक छोड़ देगा। नो मॉम, हम टैक्सी से चले जाएंगे। फिर दोनों बॉनी बहनें डिस्को नाइट पार्टी के लिए निकल जाती हैं। उनके जाते ही सुधा कहती है, अजी आप दोनों बेटियों को थोड़ा तो टोक दिया कीजिए, ऐसे तो ये हमारे सिर पर चढ़ जाएंगी। जानते हैं ना कल इन्होंने पड़ोसन के बच्चों से कैसे बात की है। मैं तुम्हारी बात से सहमत हूँ सुधा, पर तुम जानती हो हमारी दोनों बेटियों ने बचपन में बहुत कुछ सहा है। सब लोग उन्हें बोनी कहकर चढ़ाते थे। अगर हम भी तुम्हें रोका टोकी करेंगे तो उन्हें ऐसा लगेगा कि उनकी कम कद की वजह से हम उन्हें कहीं जाने नहीं देते हैं। उनका आत्मविश्वास कम होगा, इसलिए मैं मना नहीं करता, और वो समझदार हैं। और रही बात कल की, तो तुम जानती पड़ोसन के बच्चे ने हमारी बेटियों को बोनी कहा था। जी आपने ठीक कहा। उन्हें जो काम करने से खुशी मिलती है करने दिया करो, फिलहाल हमें अक्की के लिए लड़की ढूंढनी चाहिए। अरे मैं तो भूल ही गई, पंडित जी से अक्की के लिए एक लड़की ढूंढवाई थी, मुझे तो लड़की बहुत गुणी लगी। एक बार आप भी चल लीजिए रिश्ता देखने, सब कुछ सही हुआ तो रिश्ता पक्का कर देंगे। ठीक है। फिर सुधा अपने पति के लिए खाना लगा देती है। वहीं रात के 10 बजे दोनों बहनें वापस घर लौट आती हैं। अगले दिन दोनों बॉनी बहनें लाउड म्यूजिक पर डांस कर रही थीं, तभी पड़ोसन कहती है, ओ दोनों बॉनियों, माना कि तुम्हारा कद बच्चों जैसा है, इसका मतलब ये नहीं कि तुम बच्चों जैसी हो। शादी लायक हो गई हो और इतनी तेज आवाज में गाने क्यों बजा रही हो, मेरे कान फाड़ रही हो, बंद करो इसे। आपकी इतनी हिम्मत कि आपने हम दोनों बहनों को बॉनी बोला, आप देख लो आवाज कितनी तेज होगी। ऐसा कहकर दोनों बॉनी बहनें स्पीकर का वॉल्यूम थोड़ा और बढ़ा देती हैं, जिससे वह पड़ोसन परेशान हो जाती है और सुधा को शिकायत कर देती हैं। सुधा अपनी दोनों बेटियों को समझाती है, पर उनके कान पर जू नहीं रेंगती। वहीं सुधा और नरेंद्र अपने बेटे अक्की के लिए किंजल नाम की एक सर्वगुण संपन्न लड़की को चुन लेते हैं। रंग से वह हल्की सी सांवली थी। फिर अगले ही महीने में दोनों की धूमधाम से शादी हो जाती है। सुधा जब अपनी बहू का गृह प्रवेश करती है तो उसकी शक्ल देखकर दोनों बॉनी बहन टिप्पणी करती हैं। ये क्या माँ, आप हमारी इकलौती अक्की भैया के लिए वाइफ लाई भी हो तो ऐसी सांवली सी लाई हो, उप्स काली है ये तो। हाँ बिल्कुल ठीक कहती हो। तो क्या हुआ, माँ की पसंद है, और वैसे भी तुम दोनों की तरह छोटी तो नहीं है ना, रसोई के मसाले अपने आप उतार सकती है, तुम्हारी तरह कुर्सी की जरूरत नहीं पड़ेगी। देखा मम्मी पापा, आपने इस काली भाभी के आते ही भैया कैसे हमें बुरा भला बोल रहे हैं। ओफो, वो तो टांग खींच रहा है तुम दोनों की मजाक में। हाँ माँ छोटी जो है। अरे दीदी आप इनकी बात का बुरा मत मानिए, हो सकता है मुझे कंफर्टेबल फील कराने के लिए कह दिया हो। अरे वाह, हमारी बहू तो बड़ी समझदार है, चलो अंदर आओ। देख रही है आशिका, इस लंबी भाभी ने आते ही अपना जादू सब पर चला दिया, अब तो हम छोड़ेंगे नहीं इसे। हाँ बिल्कुल, मिशन भाभी को परेशान करना शुरू करते हैं। उसके बाद बहू अंदर आती है। कुछ देर रेस्ट करने के बाद वो सबके लिए चाय नाश्ता बनाती है, और फिर मुंह दिखाई की रस्म होती है, जिसमें सभी बहू का चांद सा मुखड़ा देखकर उसकी तारीफ करते हैं, जो कि दोनों बॉनी बहनों को बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। वक्त गुजरता है, दोनों बॉनी बहनें अपनी भाभी को अक्सर परेशान किया करते थे, कभी दोबारा कूड़ा बिखेर देती थी ताकि वह झाड़ू लगाए, तो कभी कपड़ों में ज्यादा साबुन डाल देती थी जिसे साफ करते करते किंजल को सुबह से शाम बीत जाती थी। एक दिन बॉनी बहनें रसोई में जाकर एक स्टूल लेकर बर्नी निकालती हैं। अरे काव्या जल्दी करना, कहीं माँ आ गई तो हमारे छुपे हुए पैसे हैं वहाँ। हाँ कर रही हूँ, यहाँ पीछे ही तो रखे थे। दीदी आपको मेरी मदद चाहिए, मैं उतार देती हूँ, बताइए क्या चाहिए। हमने बोला तुम्हें हमारी मदद करने के लिए, हम अपने आप कर लेंगे, आपसे मतलब। ये सुनकर किंजल चुप हो जाती है। फिर दोनों बहनें अपने आप ही उस बर्नी को निकालने की कोशिश करती हैं जिसमें उन्होंने पैसे छुपाए थे, पर आगे होने के चक्कर में दोनों धड़ाम से गिर पड़ती हैं, जिससे आटा का कनस्तर दोनों पर गिर जाता है, और किंजल हंसती है। आप दोनों किसी भूतनी से कम नहीं लग रही हो नंद जी, मैंने कहा था आप मुझे करने दीजिए। मुझे पता है, जरूर आपने ही हमें जानबूझकर गिराया है, समझती क्या हो खुद को। दोनों किंजल को सुनाकर चली जाती है।
वक्त गुजरता है, किंजल गर्भवती हो जाती है, जिसमें सास ससुर पति उसका बहुत ख्याल रखते हैं। दोनों बौनी नंदे उसे परेशान करने से बाज नहीं आती हैं। किंजल का 8वां महीना चल रहा था। वो सुबह उठकर चाय बनाती है, इतने में काव्या कहती है, ये आपने क्या बनाया है नाश्ते में? काली भाभी, हम दोनों को पनीर के पराठे बिल्कुल भी पसंद नहीं है, चुपचाप से आलू के पराठे बनाकर दीजिए। पर दीदी, मुझे थोड़ी बहुत थकान हो रही है, सब नाश्ता मांग रहे हैं, मैं शाम को बना दूंगी। देखिए, अगर आपने अभी नहीं बनाया तो हम नाश्ता नहीं करेंगे, और खबरदार मम्मी पापा को बताया तो। आप फिक्र मत कीजिए दीदी, मैं बनाती हूँ। फिर किंजल बड़ी मुश्किल से आलू उबाल कर फटाफट नाश्ता तैयार कर देती है, फिर सब खाना खाते हैं। बहू, तुमने बहुत देर कर दी आने में, चलो आओ तुम भी बैठकर खाना खा लो, फिर हम दोनों मंदिर के लिए निकल रहे हैं। और मैं मम्मी पापा को मंदिर छोड़कर चला जाऊंगा, तो आशिका काव्या तुम दोनों अपनी भाभी का ख्याल रखना। ठीक है भैया। कुछ देर बाद सब अपने काम से चले जाते हैं। फिर दोनों बौनी नंद अपनी भाभी को परेशान करने का सोचती हैं। दोनों जूस पीकर ग्लास को जमीन पर फेंक देती हैं। ओफो, ये क्या हो गया? भाभी जरा यहाँ की सफाई कर दीजिए, हमसे जूस गिर गया। दीदी, मैं झुक नहीं पाऊंगी, मुझे थोड़ा दर्द हो रहा है, आप खुद कर लीजिए ना। लगता है आप ऐसे नहीं मानोगी, सबक सिखाना पड़ेगा। ये कहते ही दोनों बौनी नंदे किंजल को धक्का मार देती हैं, जिससे उसके पेट में बहुत दर्द होने लगता है। दोनों बौनी बहनें हंस रही थी, और उसी वक्त घर वाले वापस आ जाते हैं। ये देख कर सुधा चिल्लाती है, बहू, हे भगवान, ये क्या हो गया? और तुम दोनों मूर्ख की तरह हंस रही हो। पता है मुझे, इन दोनों ने जानबूझकर किया है। अक्की जी, माँ जी, बहुत दर्द हो रहा है, हॉस्पिटल ले चलिए। ये वक्त बहू को हॉस्पिटल ले जाने का है, जल्दी चलो। फिर घर वाले किंजल को फौरन हॉस्पिटल ले जाते हैं, जहां वह प्रीमेच्योर एक प्यारे से बेटे को जन्म देती है, जो कुछ दिन के लिए ऑब्जर्वेशन में रहता है। इस वजह से सुधा अपनी दोनों बेटियों को बहुत सुनाती है। फिर घर वालों को किंजल से मिलने दिया जाता है। दोनों क्यों आई हो मेरी बहू के पास? फिर से कुछ करना चाहती हो क्या? माँ, हमें माफ कर दीजिए, हम जानते हैं हमसे बहुत बड़ी गलती हुई। भाभी, हमें माफ कर दीजिए, हमने आपको बहुत परेशान किया, पता नहीं हमने इतनी मूर्खता कैसे दिखा दी। तुम सही कहती हो सुधा, ये सब हमारे लाल प्यार का नतीजा है, इस वजह से इन दोनों ने बहू के साथ ऐसा किया। अगर सही समय पर डांट देते तो आज ये ऐसी नहीं होती। कोई बात नहीं पापा जी, दीदी, मैंने आप दोनों को माफ किया। हमारे अंदर कोई कमी होती है, इसका मतलब ये नहीं कि माता पिता उस कमी को महसूस ना करने के लिए उन्हें रोक टोक करना छोड़ दें। यही आप दोनों के साथ हुआ है। आज के बाद भाभी, हम ऐसा कभी नहीं करेंगे, आपके साथ प्यार से बर्ताव करेंगे। क्या हम अपने भतीजे को ऑब्जर्वेशन के बाहर आने के बाद ले सकते हैं? हाँ बिल्कुल। इस तरह 4 दिन बाद माँ बेटे का हॉस्पिटल से डिस्चार्ज हो जाता है, जिसके बाद पूरा परिवार उस बच्चे के साथ खुशी खुशी खेलने लगता है।